हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूं शशांक, आपका दोस्त एंड टेक्निकल शशांक। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू सेंड वॉइस मैसेज इन इंस्टाग्राम। जी हां दोस्तों, वॉइस मैसेज जो है ये फीचर जो है नया फीचर अब इंस्टाग्राम में जुड़ चुका है। और अब आप जो है इंस्टाग्राम में किसी को भी मैसेजेस में वॉइस भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं अपनी आवाज़। तो ये मैसेजेस में जैसे ही आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप पहले तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। हालांकि ये फीचर मेरे इसमें आ गया है, लेकिन आपके में आने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फीचर एक्चुअल में क्या है। तो भाई हम चले आते हैं इंस्टाग्राम के अंदर में। इंस्टाग्राम जाने के बाद में हम चले आते हैं मैसेजेस के अंदर में। मैसेजेस में जाने के बाद में हम किसी को भी अगर मैसेजेस यहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बटन आ गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इसको आपको टैप करे रहना है जब तक आपको वॉइस मैसेज अपना सेंड करना है। तो आप इसको टैप करिए और जो भी रिकॉर्ड करना है उसको बोलिए, और बोलने के बाद में जो है आपको सिंपली वहाँ पर छोड़ देना है। प्रेस एंड होल्ड टू रिकॉर्ड। ये यहाँ पे जैसे कि हम व्हाट्सएप में भेजते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा एक मैसेज यहाँ पे पड़ा हुआ है जब मैंने सेंड किया हुआ था। तो आप जो है अब इसके बाद में आगे इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, अगर ये फीचर आपको चाहिए है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम सर्च करना होगा। और इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद में इंस्टाग्राम को यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। करने के बाद में वहाँ पे नीचे होता है बीटा यूज़र। तो बीटा यूज़र आपको अगर चाहिए है तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम में जाइए। इंस्टाग्राम में जाने के बाद में इस पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं यू आर अ बीटा यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ है। यहीं पर आपका आता है ज्वाइन फॉर बीटा यूज़र। तो यहाँ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ज्वाइंट ऑप्शन रहता है बीटा यूज़र का, उस पर आप ज्वाइंट पे क्लिक कर दीजिए तो आप भी बन जाएंगे बीटा यूज़र। और जो भी आप अपडेट यहाँ पे आपको आएगा वो आपको जो है उसमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा।